आज हम जा रहे हैं हमारे गांव के पंदेर। हाँ हाँ, हमारे गांव में तीन पंदेर हैं, तले पंदेर, ख्याड़ा और नागदन। हाँ, और पीछे जाना है बस। तो चलिए आपको लेके चलेंगे आज हम। तो हमारे गांव में तीन पंदेर है, पंदेर में नेचुरल वाटर आता है सारा, तो वहाँ चलेंगे हम अभी। तो मेरे साथ भैया और भाभी जा रहे हैं, तो अब हम सब चलते हैं। हाँ ठीक। और ये तो सेल्फ डिफेंस के लिए है। हाँ, ये हमने सेल्फ। अब मैं बनाऊँ? हाँ। भैया भाभी आ रहे हैं मेरे साथ, चलो। हाँ 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 चलो। अच्छा, ये हमारे घर का बैक साइड है ये वाला, और ये चाची और का घर है अभी तो। ये रास्ता दिख रहा है? ये वाला नागदन का रास्ता है, ये पूरा आगे जाते हैं नागदन, ये सबसे पास है पंदेर। ये हमारे घर के ठीक पीछे है, ये वाला ख्याड़ा जाने का रास्ता है। तो यहाँ से हम ऊपर नागदन चले जाते हैं, और ये हमारे घर के सबसे पास है, तो बाई चांस कभी पानी नहीं आता नल पे तो हम वहाँ चले जाते हैं पानी लेने। और ये ख्याड़ा का रास्ता है, नीचे नीचे खेत भी है हमारे वहाँ। चलो, ये भाई जा रहा है आगे। अच्छा, तो ये भाई जा रहा है। तो जब बारिश आती है तो यहाँ से बहुत सारा पानी आता है, और अभी भी यहाँ पे नागदन से जो पानी आता है वो रुक के इधर आ जाता है, तो जानवर पी लेते हैं पानी, और बारिश में तो बहुत तेज़ पानी आता है यहाँ से। और ये भाभी हैं। हेलो। और ये हमारा डंक। वैसे भी दूर से आवाज़ नहीं आती थी। अब ये रास्ता है पूरा, और हमने ये लिए, ये बता दिया था तुमने सेल्फी, ये जो स्टिक मैं बता दूँ। और ये हमने, हाँ ये हमने ये ले रखी है स्टिक्स। नीचे का तले पंदेर का रास्ता है ये वाला रास्ता, ये है तले पंदेर का, वहाँ से जाना है। दिखा दो ऐसे इस तरीके से पास। तो यहाँ पे तुम्हें व्यू का पता है ना? अच्छा व्यू। तो यहाँ बाघ भी आता है, तो इसलिए थोड़ा डर रहता है, इसलिए हमने थोड़ा स्टिक ले रखा है। वैसे दथड़ू लाना था। ये है, ये वाला रास्ता है तले पंदेर का, और ये वाला रास्ता है ऊपर गाँव जाने का। अब हाँ, ये नीचे रास्ता तो एकदम सही है यहाँ का, थोड़ा
तले पंदेर अब मैं काफ़ी अच्छा है, तले पंदेर में पानी अच्छा आता है। ये ख्याड़ा तो टूट गया है, अब मेंटेन नहीं हो रखा तो इस वजह से। वो है ना इसमें, तो यहाँ पे हवा बहुत अच्छी चलती है। अभी शाम भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो इस वजह से भी ये है पूरे रास्ते बने हुए। एक दिन शायद हम ट्रैकिंग करते हुए जाएं उस वाले रास्ते पे, ये जो पतला सा रास्ता दिख रहा है आगे आगे कांड गांव आता है और ये जा रहे। और यहाँ पे हिरन भी आता है, यहाँ से ऐसा हो रहा है रास्ता। हम अब क्या, हम अब चुप हो गए। हाँ, छोटे में आते थे हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे, मतलब रोज़ ही आते थे खेत देखने। पहले नल नहीं होते थे तो यहीं से पानी ले जाते थे लोग, अब तो सब नल आ गए हैं। तो ये है, ये तो करुंदे का पेड़ है, ये छोटा सा दिख रहा होगा इसमें। ये करुंदे है हमारे यहाँ बहुत होते हैं, हमारे गांव में तो देखो ब्लैक कलर के भी है। हमारे गांव में बहुत ज्यादा होते हैं। ये वाला है, इसे हम करुंदा बोलते हैं। ये ऐसा होता है पर्पल सा, इसका फोकस ही हिल जाता है पर्पल। और ये कैक्टस, हाँ ये भी बहुत होता है हमारे यहाँ पूरा पीछे पीछे। हाँ कैक्टस, हाँ उसी की, हाँ उसी की वैरायटी है ना अलग, पर बहुत ज़्यादा होता है ये पूरे उसमें लगा हुआ है। ऊपर भी वहाँ भी दिख रहा होगा सामने इतना सारा, कोई शायद गाय चरा रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। तो वो कौन सा पेड़ है? ये तो आम का पेड़ है, पुराना। अच्छा, बहुत पुराना है। हाँ पहले लगते थे आम। अच्छा। अब तो वो जो आगे दो पेड़ लगे हैं ना उनसे। अच्छा। तोड़ते थे हम आम। ये ऐसे ही होगा ना, किसी का नहीं होगा। रास्ता ऐसा है यहाँ का थोड़ा। ये पेड़ भी बहुत दिख रहे हैं, किस चीज़ से है मुझे ये तो पता नहीं। अच्छा, ऐसे भी होते हैं। हाँ ये बहुत दिखता है, इसमें जंगल जंगल ही है सारा। ये कड़ी पत्ते का पेड़ बहुत होता है हमारे यहाँ, मीठा नीम भी बोलते हैं इसे कई लोग। ये घास हो रखी है, ये घास लगी हुई है। बोलो कुछ और। गोबर, गोबर यहाँ गाय चरने जाती है तो, गाय बकरी चरने जाती है तो गोबर खाद बन जाती है। हाँ जैसे वो अभी ऊपर गाय बकरी चरा के आ रहे हैं
तो यहाँ सब इसी साइड जाती हैं सारी गाय बकरी चरने के लिए। ये दो रास्ते हो रहे हैं, एक ये नीचे वाला रास्ता, ये नीचे वाला रास्ता तले पंदेर जा रहा है, ये ऊपर से हम आए। वो गांव है डूंग का हमारा। चल रही हूँ मैं तले, हम तले पंदेर भी जा सकते थे, यहाँ तो हम ऐसे ही पहुँच गए। ये आम का पेड़ बहुत पुराना, इसे तोड़ते थे हम आम ना, इस वाले पेड़ से। और फिर खेत में वहाँ ले जाते थे, कभी दीदी बनाती थी बहुत अच्छा नमक। अच्छा। लून ना वो गढ़वाली नहीं बनाते हम लोग, सिलपट्टे में पीस के और वो सब डाल के, और फिर खेत में खाते थे। प्याज भी लगी रहती थी ना तब। अच्छा। प्याज के साथ। ये पेड़ जो है इसमें काले काले से लगे, इससे तो हम गुब्बारे बनाते। ये जो पेड़ है ना, इसकी डंडी तोड़ के ना, ये वाला दो, मुझे नहीं आता पर बनाना। क्या बनता है? गुब्बा, वो बैलून से बनते हैं, ऐसे तोड़ के ना। ऊपर घास लगी है, ये वाली। हाँ। इधर हमारे भी तीन खेत हैं, ख्याड़ा में तीन है और तले पंदेर में चार खेत हैं, पर अब खराब हो रखे। अभी तो यहाँ सबने लगा रखा है वो नीचे नीचे केले का पेड़, केले दिख रहे होंगे, ये देखो वो रे केले लगे हुए हैं। किसका खेत होगा, अच्छे लगे हैं। और यहाँ पे भी, यहाँ खूब पत्ता गोभी लगाई रहती है सबकी। और ये वाला, ये तो हल्दी का पेड़ है सारे। और तो ये ऐसे है, ऐसे अच्छा कर रखा है अभी सबने। बंदर की वजह से नहीं करते ना, खराब हो जाते, बंदर बहुत नुकसान करते हैं। ये है ना खेत में हल्दी लगी हुई है, बहुत सारी लगा रखी है। हाँ। हल्दी मिर्च सब लगा रखा है, वो थोड़ा बंदर नुकसान कर देते हैं ना, बंदर सुअर वो भी बहुत होते हैं, वो नुकसान करते हैं। ये कड़ी पत्ते का है, कड़ी पत्ता बहुत होता है हमारे यहाँ, पर पता नहीं है लोगों को काय किस चीज़ में डाल सकते हैं ना। और ये तो देखा, ये पसींगू का पेड़ है ना, इसका सब्जी बनती है। हाँ, बता दो दोबारा। इसकी तो हाँ सब्जी बनती है। और वो वाला है, वो बताती हूँ इसको ना, दिखेगा क्या ऐसे ऐसे दिख रहा है, आ रहा है। अरे अच्छा, गुब्बारा अच्छा बन जाता है। हाँ। मुझे लगा कुछ खाने वाले। ना ना खाना नहीं है। अच्छा। आइए, आज तो अजीब सा ही वीडियो बन रहा है। हम पहले पहले ऐसे ही होते थे। अरे यहाँ शायद हमारा खेत तो पता नहीं वो पूरा खराब ही हो गया होगा। ये किसका है, ये भी है, तो यहाँ लगा रखे हैं सबने। हाँ कौन सा वाला खेत? हाँ 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 तो वो तो हल्दी लगा रखी है।
और नीचे तो केले का दिखा दिया था और ये ऊपर भी अभी कर रखा है सबने ना, कुछ कुछ बोल रखा होगा। पहले तो बहुत रौनक रहती थी यहाँ पे ना, अब तो लोग कम दिख रहे हैं। ये है ऊपर ये रास्ता। ये है खेड़ा, अब तो ये बिल्कुल टूट गया है क्योंकि नल आ गए हैं, तो अब आता नहीं है कोई यहाँ पे। तो इसमें चाचा जी और दादा जी और कुछ बच्चों ने साफ किया था, तो साफ सुथरा दिख रहा था। पूरा ये कंडली से भरा हुआ था, तो यहाँ आता था पहले पानी, अब तो पानी भी नहीं है, तो दिखाने को कुछ है भी नहीं। वो पानी नहीं है ना, तो पानी नहीं है, ये लास्ट में ही आएगा। वो हम पानी की वजह से आए थे, हम पानी पीने के लिए आए थे यहाँ पर। ये है पंदेर, अब पानी पीने के लिए आए थे, यहाँ का पानी बहुत टेस्टी होता था। अरे हम निकाल सकते हैं पानी, ये तो कंडली है। हट हट एक मिनट, यहाँ का पानी बिल्कुल मिनरल वाटर जैसा होता था और यहाँ पे हमें पानी नहीं मिला। नहीं आजकल ना सारे पंदेर ऐसे ही हो गए हैं जब से नल आए हैं ना। अच्छा अच्छा, तो लोग आते नहीं है ना पंदेर में इतना, तो नल में, पर हम पानी निकाल सकते हैं। आजकल बारिश भी नहीं हो रही ना, बारिश नहीं हुई फिर पानी का वो बंद हो जाते हैं, करो नहीं ना। तो ये तो चढ़ने का है, ये इसमें चढ़ के जाते हैं। थोड़ा आसपास ही नजर रखना रुचि। हाँ ये आवाज आ रही है, वो अपनी बकरी बुला रहे हैं। वहां से आता है पानी और यहाँ से आता है फिर धीरे धीरे। यहाँ पे आता है सारा पानी और ऊपर से आता है ये। बुढ़ा मेरे हिसाब से रात रात में हो जाएगा। अरे वो उससे वो हमारा केले का पेड़ है क्या, उसमें केले लग रहे हैं। पापा के साथ आएंगे, कहाँ लग रहे हैं देख, वो केले लग रहे हैं। इसके अलग से फोटो खींच के ले चलते हैं। कहाँ गया? हाँ ये केले लगे हुए हैं। इसमें आ जाता है पानी, ऐसे करते रहो पानी निकलने लगता है। वो रास्ता बनाना है ना। अच्छा रास्ता नहीं बन रखा। अच्छा इसलिए नहीं आ रहा। ये तो पहले तो पूरा ये कंडली हो रखी थी यहाँ पे। अच्छा। और जहाँ आप खड़े हो ना वहाँ पे पहले एक गड्ढा होता था। अच्छा। और वहाँ बहुत यहाँ से तो कंटिन्यू पानी आता था। अच्छा। जहाँ सोनू कर रहा है ना, और यहाँ गड्ढा होता था इधर की साइड। अच्छा। और फिर उसमें छोटी छोटी मछलियाँ रहती थी। अच्छा। बारीक। अच्छा। और यहाँ से पानी उधर को जाता था आगे को। खेतों में भी जाता था, कपड़े भी धोते थे और फिर खेतों में तो जा ही रहा है अभी भी नीचे से कहीं से, तभी तो वो सिंचाई हो रही है ना उनकी वहाँ पे। और मेरे ख्याल से यहाँ पे था हमारा कोई खेत, यहाँ पे ये जो पूरा भरा हुआ है ना, कोई करने का कौन करेगा ना, खेती कर ही नहीं रहे। तो हम तो यहीं बैठ के खाते थे, यहाँ मेंढ है ना ये जो इस तरफ थी पहले इधर की कहीं, पता नहीं अब पता भी नहीं चल रहा, उसमें ही हम बैठ के प्याज खाते थे खेत से निकाल के ना, और नमक के साथ। आया कुछ पानी? वैसे ऊपर से तो आ ही रहा है पानी, उधर अंदर से आता है, ये पेड़ों की जड़ों से नीचे नीचे से आता है पानी और फिर ऐसे। इसमें ना पत्ते 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 लगाते हैं और तब आने लगता है। फिर धीरे 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 अगले दिन साफ होएगा, ऐसे होता है। जहाँ तो मिट्टी लगा रहे हैं ना सुनो, वहाँ पत्ते लगाते हैं।
पहले पत्थर जरा अंदर ठूस दूं। अब पत्ता मेरे को दे, बड़ा कोई है, कंडेली मत दे देना बस। कंडेली हाँ, ये काय के पत्ते होंगे, ये ले ले। ये कंडली का पेड़ है, बहुत तेज लगती है ये। आगे कुछ दिख रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है ना, आ रहा है वहां से। कंडली के बारे में कुछ बोलना है, कंडली कैसी होती है? हमने लास्ट टाइम जब हम आए थे, हमने कंडाली की सब्जी बनाई थी। हाँ वो अच्छी थी। ये है, इसमें दिख रही है, जो भी उत्तराखंड आए उसे एक बार कंडली टच जरूर करनी चाहिए। और उसकी डिश भी बनाए। हाँ बड़ी टेस्टी होती है। बस टच ही करनी है उससे, उत्तराखंड की यादें हमेशा बसी रहेंगी आपके मन में, जोर से नहीं पकड़ना है। ये है ना वो पहाड़ी, क्या जिसको कंडली नहीं लगी हो ना। बाप रे कितनी लग, पहले तो ऐसी ही लग जाती थी। ये तो रास्ता नहीं था पहले ऐसे, ये रास्ता निकल रहा है कहाँ से? यहाँ खेत में जा रहे होंगे ना यहाँ से। कोशिश करी बनाने की, आया पानी? तो कोशिश कैसे करी, उसमें क्या क्या करा तुमने बताओ जरा। उसने पत्ते लगा दिए वैसे इसमें ना, इसमें क्या क्या करा ऐसे, अगर आ जाता है इस तरीके से करने में, यही बता दो। आ जाता है ऐसे पानी ना, पर उसको थोड़ा सा वो लाइन मार के करना है ना। ये था हमारा अभी तो, और फिर यहाँ से आने लगता है। अब बंद हो गया ना, थोड़ा सा गहरा गहरा करना पड़ेगा ना उसे, तब आएगा तब। अब वहाँ से ये ऊपर जाते थे हम, ये बना हुआ है ना रास्ता, ये देखो चढ़ के जा रहे हो आप। अच्छा ऊपर, हाँ खेत में। तो ये खेत में ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ से हम जाते थे, इसमें ऐसे चढ़ते हैं ऐसे आगे। आ रहे हो? मैं भी आऊँ? अच्छा हाँ ये ठीक है, एक मिनट पकड़ो, दो मिनट के लिए कैमरा। हाँ कंडली से बच के डब्बा, हाँ ला रहे आप, रुक जाओ मेरे साथ आगे। तो यहाँ से भाभी भी आ गई। ये है, ये खेत में जाने का रास्ता है, यहाँ से जाते हैं। यहाँ तो नहीं है कंडली वैसे। क्या लगा मेरे पैर पे? पैर भी लगा कुछ? हाँ अरे पैंट पे ही लगा। अच्छा हुआ, हाँ भाई कंडली है वो। अच्छा हुआ बच गया, बच गया। नहीं नहीं ये है ना खेत में जाने का, इसी रास्ते से। ये यहाँ पे आ रहा है पानी। और ठेला लाई क्या रुचि? हाँ ठेला लाई ना। ये आ गए हम खेत के पास, उगा रखा है यहाँ सब। अब पानी दिखा दे, ये रहा, वहाँ तो पानी दब गया ना, पर यहाँ आ रहा है पानी। तो ये रास्ता है खेत में आने का। इतनी झमझाट हो रही है, मेरे पैर में लग गई शायद हल्की सी। ऐसे लग जाती है इतने अंदर से बाहर। अब वो अपनी बकरी के लिए चिल्ला रहे हैं। अरे ये पीना, ये खेत पे लगा रखा है। हाँ यहाँ से पानी नीचे के खेतों में जा रहा है। दिखाओ जरा पानी भी टेस्ट करते हैं यहाँ का। और ये रहा पानी, वहाँ से दब गया है ना, इसलिए सारा पानी यहीं आ रहा है। अब ये आ रहा है तो यहाँ से हम पानी भर के ले जा सकते हैं। सुनो हट, ये आ रहा है पानी। तो जो पानी नीचे दबा हुआ था वो यहाँ से ऐसे आ रहा है, बहुत साफ पानी आता है ये। पहले हम यहीं से ले जाते थे। हाँ मुझे भी लग रहा है यही पूरा बड़ा, यही है पूरा बड़ा, और ऊपर का भी था मुझे लग रहा है। पानी पीती हूँ मैं, कैसा है ये रहना बोतल। वो देखो कैसी गुफा सी बनी हुई है, बाघ के लिए तो बहुत अच्छी है, देखना वो गुफा। अरे कंडेली वाले उस तरफ नहीं जाएगा। मुझे लग रहा है मेरे पैर पे ही लग गई कंडेली थोड़ी सी। ये रहा पानी, पानी तो अच्छा बाहर गिर रहा है। अब इसको अभी बाहर गिर रहा है। चलो ये भर गया, अब मैं पानी दिखा देती हूँ।
ये आ रहा पानी। ये आ रहा पानी, ऐसे ही आता है पहाड़ों में पानी। यहाँ से हम पानी पी लेते हैं। ये सब नेचुरल पानी आता है ऊपर से। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये देखो पत्ता। पानी पी लिया? हाँ मैंने पी लिया। भर लिया क्या सारा? ये रहा। दे 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 थोड़ा सा दे ही रहा है तो। देखते हैं चलो कैसा है पानी। बड़ा मस्त है। ये तो एक्टिंग कितनी लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा होगा। पूरा पूरा भरती है अभी। हाँ तो ये पानी है, बड़ा टेस्टी है। ठंडा ठंडा पानी है ना एकदम। बहुत टेस्टी है, बहुत ठंडा पानी है। यही आता था ऊपर की तरफ ना, अभी नहीं कर रहा। पीते रहो चाहे प्यास लगे ना लगे। चलो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये है सारा, ये है पानी। पहाड़ों में जितने भी गांव जहाँ भी सेटल हुए हैं सब में इसी तरह से आता है नेचुरल पानी। सोनू मत कर, मधुमक्खियाँ आए यहाँ। मत करो। अरे और फिर ये ऊपर जाने का रास्ता है। देखो रास्ते में ये कंडली लगी हुई है, है? ये कंडली है, ये भी कंडली है पूरे रास्ते में, तो ध्यान से देख के जाना पड़ता है। ये उतरने के लिए होता है सीढ़ी बनी। ये ज़्यादातर गांव में देखी है। ऐसी सीढ़ियाँ। हाँ तो ये रास्ता इस रास्ते से आते हैं हम नीचे ना। ये ऐसी सीढ़ी होती है, इतनी गंदी नहीं थी ये पहले सारी। अब हुई है पहले आते रहते थे ना सब लोग आते थे। हाँ मैंने तो पहले ऐसे ही दिया ना। अभी जहाँ से पानी आ रहा था ना वहीं से सब लाइनें बनी हुई हैं, और जिसकी बारी होती है वो अपने खेत में पानी लगा देता है और उससे सिंचाई हो जाती है सारी। तो वो अपनी बकरी चरा रहे हैं। तो अब हम सेकंड पंदेर जा रहे हैं नागदन।